सबके हिस्सेदार, और हमारा कर्तव्य बढ़ता है कि हम मजबूती के साथ और ताकत लगाकर इसको मजबूत करने का काम करें, और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का प्रयास करें उनकी भी पोल पट्टी देश आगे खोलने। मैं तो आपको एक चीज, जज्जा भाई, जज्जा जज्जा नारे लगाने के लिए साल बाकी है, अभी घड़े लगाने हैं। साथियों, जहां नोटिस की बात है, मेरे ओर से अपना पक्ष चौटाला साहब के आगे बड़ी अच्छी तरीके से हमें जब बुलाया हम दोनों ने रखा, और उसके ऊपर चौटाला साहब ने निर्णय कमेटी के पास सौंप, हमने कमेटी से भी जो तथ्य है उनकी निवेदन किया है कि हमारे सामने पेश किए, जब भी कमेटी बुलाएगी तथ्य रखेगी उसका भी हम जवाब देंगे। और आप सबसे विनती जरूर करते हैं कि कोई भी फैसला चौटाला साहब कोई निर्णय ले, हमारे संगठन के, हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारा कर्तव्य बनता है उनके मान सम्मान में 1% की भी हम कमी ना आने दें। मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जो हौसला आप लोगों का है, जो विश्वास आप लोगों का है, ये मेरी तरफ से वादा रहा, उसको 1% भी मैं टूटने, पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ संघर्ष करें। दौर तो वो भी हमने देखा है जब चौधरी चरण सिंह जी ने चौधरी देवीलाल को पार्टी से निकाल दिया, और आप सबने उस समय चौधरी देवीलाल का साथ देकर एक नई ताकत इस प्रदेश के अंदर डालने का काम, ना तो हम नोटिस से डरे ना विचलित, हमें पूरा भरोसा है कि हमने ईमानदारी के साथ संगठित होकर हमेशा किस प्रकार से चौटाला साहब के कंधे मजबूत, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के आदर्श आगे बढ़े, इसका काम किया और काम करते रहे। और एक चीज है बड़ी अच्छी लिखी भी, कि असूलों पर जब बात आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। युवा साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने एक चीज सिखाई थी कि गाड़ी का पहिया चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए नहीं, तो ये विश्वास मेरा रख लेना, गाड़ी रुकने को नहीं दियो, मगर आप सब इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना। अंत में एक ही चीज कहूंगा, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है, दरिया की जिद है रास्ता नहीं दूंगी, हमने भी तय कर लिया मिलकर समंदर पार करना है। तो अब आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इसी मजबूती के साथ आप भी संगठित रहना सीखें और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करें, और आप मजबूत रहे तो यह विश्वास मानकर चलना कि राज आपके हाथ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।